7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों को 1700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। काशी पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले अक्षय पात्र रसोई योजना का शुभारंभ किया। काशी में तैयार ये रसोई उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई होगी, जहां सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बनेगा। अब आपको अक्षय पात्र रसोई योजना के बारे में बताते हैं। अक्षय पात्र एक स्वयंसेवी संस्था है। ये संस्था यूपी समेत देश के 12 राज्यों में बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध करा रही है। वाराणसी में इसके 62वें केंद्र का शुभारंभ हुआ है। काशी में शुरू हुई अक्षय पात्र रसोई में 1,00,000 बच्चों का खाना तैयार होगा। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने के लिए पूरा ऑटोमेटिक किचन का निर्माण किया गया है। इसमें आटा गूंदने से लेकर रोटी बनाने तक की मशीन शामिल है। दाल और सब्जी बनाने के लिए भी उन्नत मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रसोई की एक खासियत ये भी है कि यहाँ गैस के साथ ही सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने में होगा। रसोई में 24 घंटे में 300 लोग काम करेंगे। खास बात यह है कि रसोई में हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। टाइम्स नवनव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।